नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ज़ेरोधा का जो काइट ऐप है उस पर उनके सारे इंडिकेटर्स नहीं आ रहे। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आए लेकिन मैं उन सबको आंसर नहीं कर पाया। दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट एट द सेम टाइम दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन के सिमिलर टाइप के आंसर्स दे पाना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड। हो सकता है मैं उनके आंसर्स नहीं दे पाता हूँ, बट मैं पढ़ता जरूर हूँ विदाउट फेल हर एक कॉमेंट को, आई रीड। सो आप अपने कॉमेंट्स को आप लिखते रहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इनकेस अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पक्का बनाऊंगा। आपको किसी भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, आपके पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए। आपको किसी भी ऐप में प्रॉब्लम है, किसी भी इंडिकेटर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और उसको रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों कमेंट अगर मेरे नहीं आ पाते हैं, प्लीज़ डू नॉट माइंड कि मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पाता, बट आई डेफिनेटली रीड एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। किसी न किसी तरीके से आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू, आपको पक्का आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ज़ेरोधा काइट को ऐप को कैसे इंडिकेटर सारे लाएं और कैसे इसको यूज करें। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आप ज़ेरोधा काइट को जब लॉगिन करते हो तो आपको ये वॉच लिस्ट नजर आती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब उस वॉच लिस्ट में आप कोई भी स्टॉक रख सकते हैं। मैंने इन तरह के कुछ रैंडम से स्टॉक्स को इसमें डाल रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह के आपके पास स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे, उनको आप जब आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एफल क्लिक किया, आज बढ़िया 9% के आसपास चला भी था दोस्तों, तो उसको क्लिक करते हैं इसको पकड़ते हैं। जैसे सपोज आपने इसको पकड़ा, तो आपने इसको जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप देखेंगे ये जो व्यू चार्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू चार्ट। तो जैसे ही आप व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस ओपन होकर के आएगा इस प्रकार का। इसे कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों इसे कहते हैं ट्रेडिंग व्यू, लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में हो सकता है कि आपको ये सारे के सारे इंडिकेटर्स ना मिल पाए। इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे खुल करके आएगा इस प्रकार से। अब उस इंडिकेटर्स में आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डालेंगे मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज के नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। डारवास बॉक्स आप डालेंगे तो डारवास बॉक्स का इंडिकेटर इसमें आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था, सर मेरे में डारवास बॉक्स नहीं आ रहा है, आपने तो ट्यूटोरियल बनाया कि ज़ेरोधा में काइट ऐप में ये फैसिलिटी है। तो दोस्तों मैंने ज़ेरोधा से ही बनाया था और ज़ेरोधा का ही ऐप है और इसमें डारवास बॉक्स आएगा। दोस्तों आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा पूरी तरीके से। वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको पूरी एनालिसिस मिल सके। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है फिर से अकाउंट में, अपने जो अकाउंट वाला होम आता है ये वाला, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट की सेटिंग अकाउंट का पेज खुल जाएगा, उसमें आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये यूज़र इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें आप थीम चाहें तो डार्क रख सकते हैं या फिर लाइट रख सकते हैं, मुझे लाइट रखना पसंद है। और आप ऑर्डर नोटिफिकेशन रख सकते हैं अगर आपको ऑर्डर की नोटिफिकेशन चाहिए। आपका आप देखेंगे कि इसमें डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो है ट्रेडिंग व्यू की। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हटा देना है, बल्कि क्लिक करना है चार्ट आईक्यू पे। चार्ट आईक्यू पे आप क्लिक करिए। आपने क्लिक किया चार्ट आईक्यू पे और चार्ट आईक्यू पे क्लिक हो गया है। अब दोस्तों हम लोग उससे वापस आते हैं बाहर। आप देखेंगे दोस्तों उसमें कोई सेव का बटन नहीं है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये सेव हो जाएगा। तो दिस इज सेव्ड नाउ। उसके बाद हम लोग बाहर आएंगे और हमने फिर से वही एफएल में जाकर के उसका चार्ट पे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार का चार्ट नजर आएगा दोस्तों। और ये है आपका स्टडी आईक्यू वाला चार्ट। तो दोस्तों अभी इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा, इसमें आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें कैंडल दिखाई पड़ेंगे 1 मिनट से लेकर के आपको दिखाई पड़ेंगे 1 डे 1 वीक तक के कैंडल दिखाई पड़ेंगे। मुझे 1 डे का कैंडल पसंद है क्योंकि उसमें पूरे दिन के इमोशंस, पूरे दिन के सेंटीमेंट, पूरे दिन की न्यूज़, पूरे दिन का मसाला, सभी न्यूज़ चैनल की पूरी बकवास सब उसमें भरी होती है, तो उसमें क्या होता है पूरा अच्छा सा रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने उसमें 3 आवर्स का कैंडल लगा रखा है, तो एक कैंडल दिखा रहा है कि 3 घंटे का निष्कर्ष, 3 घंटे में क्या हुआ वो इस कैंडल में नजर आ रहा है। अब इसमें व्यूज में आप चाहें तो इसमें व्यूज में क्लिक कर सकते
सकते हैं, डिस्प्ले कैसा डिस्प्ले चाहते हैं उसको आप ड्रॉप डाउन में क्लिक कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू स्टडीज, स्टडीज में आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे ऑप्शन आएगा वेरियस काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स लिख करके आएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, जो आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया स्टडीज के ऊपर तो मेरा ये ड्रॉप डाउन खुल के आता है जिसमें आप चाहें जो चाहें वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज के तीन ऑप्शन है, मूविंग एवरेज डेविएशन एंड सो ऑन। तो मैंने मूविंग एवरेज, मुझे चाहिए था मूविंग एवरेज सिंपल, तो मैंने क्लिक किया इस पर तो मेरा ऑप्शन आएगा इस प्रकार से और मेरा मूविंग एवरेज लग जाएगा। तो ये मैंने मूविंग एवरेज ऑलरेडी लगा दिया है, इस प्रकार से मुझे अब इसमें नए ऑप्शन और लगाने हैं, तो मुझे फिर से जाना है स्टडीज पे और क्लिक करना है। मैंने स्टडीज में जाके क्लिक किया, फिर से ड्रॉप डाउन आया दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इस पर तीन तरह के मूविंग एवरेज लगा दिए थे, 20-day मूविंग एवरेज, 50-day मूविंग एवरेज, 100-day एंड 200। तो सारे के सारे मूविंग एवरेज मैंने लगा दिए थे पहले, अब मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें MACD। तो MAC क्लिक किया, ऑलरेडी ऑप्शन आ जाता है MACD, जैसे आप MACD को क्लिक करेंगे तो MACD का देखिए आप MACD लग गया है और ये MACD लग गया। नाउ कमिंग ऑन टू अदर टाइप ऑफ ऑप्शन, अगर मुझे सपोज मनी फ्लो इंडेक्स लगाना है तो मैंने मनी डाला, मनी फ्लो इंडेक्स का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने मनी फ्लो इंडेक्स पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आप हमारा मनी फ्लो इंडेक्स भी लग गया है। अब दोस्तों आपका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था कि भाई मेरा डारवास बॉक्स नहीं लग रहा, आप इस पर डारवास जैसे ही टाइप करेंगे और आपका डारवास बॉक्स ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको क्लिक करिए और जूम आपका डारवास बॉक्स आ चुका है। नाउ दिस इज हाउ यू पुट, आप ऐसे इसमें लगाते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको आप लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको किसी एक स्पेसिफिक इंडिकेटर में अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप डाल सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत खुश महसूस करूंगा इन केस अगर आप कोई मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कमेंट का आंसर नहीं दे पाता हूं प्लीज डू नॉट माइंड, आप भी समझिए अगर मेरे को 30 सेकंड लगते हैं कमेंट को पढ़ने और आंसर करने में और 500 कमेंट आते हैं तो मेरे को 250 मिनट लगेंगे, 250 मिनट मींस 4 आवर्स। तो दोस्तों प्लीज डू नॉट माइंड अगर मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं, आई रीड ऑल योर कमेंट्स। सो दोस्तों प्लीज कीप कमेंटिंग, आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। तो दोस्तों इसमें आप जितने चाहे उतने लगा सकते हैं इंडिकेटर्स, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं होने चाहिए, 3 इज़ आइडियल, उसके ऊपर के इंडिकेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको चाहिए तो आप इंडिपेंडेंटली उनको रीड करिए, सालों को एक साथ देखिए क्लटर करके आप खुद कन्फ्यूज होंगे, नॉट मोर देन 3 इज़ मोर देन इनफ, 3 से ज़्यादा आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आपका सारे इंडिकेटर्स लग गए, इसमें डारवास बॉक्स भी लगा हुआ है, मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है, MACD भी लगा हुआ है, मनी फ्लो इंडेक्स भी लगा हुआ है, और आप चाहें तो उसको और भी क्लटर कर सकते हैं, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, 3 इज मोर देन इनफ। सो दोस्तों आई होप आपको पता चल गया हो कि सारे इंडिकेटर्स को कैसे लगाना है ज़ेरोधा में और क्यों नहीं आते थे और अब क्यों आने लगे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इनकेस इफ यू लाइक द वीडियो please do not forget to subscribe to my channel and smash the like button for getting the regular updates. Thank you for watching friends, bye for now.